इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र से। जी हाँ, मुंबई पुलिस का एक बड़ा फैसला निकल कर आ चुका है। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने एक बड़े नोटिस जारी करते हुए बता दिया कि 8 मार्च तक के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। यानी 5 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, ये बड़ा फैसला लिया गया है इसलिए क्योंकि नवाब मलिक के अरेस्ट होने के बाद बीजेपी उनके समर्थन में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र मुंबई पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सड़कों पर 8 मार्च तक जो है कोई भी निकल नहीं सकता किसी भी धरना प्रदर्शन को लेकर। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस के द्वारा ये निर्देश इसलिए जारी किया गया कि आने वाले समय में जो है उन्हें भनक लग चुकी थी कि इससे भी ज़्यादा लोग जो है सड़कों पर निकल सकते थे, जिसकी वजह से सरकार ने जो है प्रिकॉशन लेते हुए यानी सबसे पहले ही जो है ये निर्देश जारी कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडी का कार्रवाई इस समय नवाब मलिक पर चल रहा है, जिनकी तबीयत आज खराब होने के बाद उन्हें जे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अभी वो 3 मार्च तक जो है रिमांड पर रहेंगे ईडी के। बता दें कि दाऊद के साथ उनके कनेक्शन को भी निकाला जा रहा है, लेकिन अभी इस बात में सच्चाई कितनी है या रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल जाएगी। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।